सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को। पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सिर्फ ये नहीं किताब ले लिया रटे जा रहा है। एलपीजी क्या है? कनेक्टिविटी। मतलब 20 साल के टीचिंग कैरियर में जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे, 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने, 4 बातें आज के सेमिनार में मैंने 4 बातें बताई, ये 4 बातें आप हमारी तरफ से आज ले जाओ। जय हिंद फ्रेंड्स। बोले गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तैयारी में क्या करना है, प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, वो रामेश्वर बहुत अच्छे से बताएंगे। उस तरफ से गुजरे हैं तो ये उस पर बात करें। हम जिन मुद्दों पे आज बात करेंगे उसमें ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का, अब तो 3-2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है, उस तरीके से लोग मार नहीं खाते। वो गंदा इसीलिए है, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मार गए, साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलल ही चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी, आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता, उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी किए और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में, कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना। और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई, बोले हाँ, लोग बदल गए हाँ। मैंने कहा कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने, बोले असंभव सा लगता था, अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, अरे हो जाती है यार शादी इसमें इतना, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़के ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब, बोले हाँ, बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा, बदतमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ, कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की, कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है, और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो, उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो।
वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। और ऐसे सामान्य हम, इकरा की एक बहुत अच्छी अदा रही है, हम हमेशा उस एस्पिरेंट को कॉल करते हैं जिसने असंभव को मजाक बनाया हो। सैफिन भी आया था, उसने भी असंभव को मजाक ही बनाया था। सामान्य, अति सामान्य परिवार, अति सामान्य, सामान्य भी नहीं, अति सामान्य। सामान्य में तो कम से कम आपको खाना मिल जाता है, माँ बाप कुछ पैसे भेज देते हैं। अति सामान्य, खाने का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पिताजी महीने में कितना पैसा भेजेंगे। अति सामान्य, अति सामान्य व्यक्ति के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लड़ना तो सबको है, लेकिन जो अति सामान्य, पहला सूत्र यह है कि जिस भी फील्ड में कूदना है, बात समझ में आ रही ना, जिस भी फील्ड में कूदना है, जहां भी जाना है, जिसकी भी प्रिपरेशन करनी, साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है, आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीखना, तुम कहता है अरे यार साइकिल में क्या है, अब तुम्हारे लिए क्या है ना। लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है, और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है, पैंडल में पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। तो पहला काम आप यही करो, समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है बढ़ा लो भाई। पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये थर्ड से फोर्थ में गए, तो जब फोर्थ क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं नहीं, बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है या बोले चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखे, अच्छा कौन सी भाई साहब, पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। मजदूर का अप्रोच नहीं है, मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी, मेहनत तो करना ही नहीं, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी, बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। क्षमता सबके पास है, ये दो पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू,
जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से, आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं नहीं पढ़ते। सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, दो चार होंगे जो अभी नहीं पढ़ते होंगे, बाकी सारे लोग पढ़ते हैं ना, है ना। अभी जापान के एक नेता है शिंजो अबे, उनकी हत्या हुई, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है, हा? किसी को नहीं पता। अरे भैया हफ्ते भर पहले की घटना है, पता ही नहीं, और अंडरलाइन किए होगे। कितनी बड़ी, कितनी एक लाइव एग्जांपल देखो, अपना स्वमूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त, बात समझ में आ रही ना। इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे, आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना, एक दिन में नहीं बढ़ेगी। यह दूसरा फॉर्मूला है, अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया, मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है, ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला, अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो, यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है बढ़ा लो। 3 महीने 90 दिन का कोर्स है ये, 3 महीने, 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। यह दूसरी चीज, अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो, संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे शायद, कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है, ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, सेकंड दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, दूसरा क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो, अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ,
इन सब लोगों ने यही किया, अपनी क्षमता को पहचाना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उसमें को बढ़ाया। हम जब तैयारी करने आए थे हमको कुछ नहीं आता था, ऐसा नहीं कि तुम्हें ही तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो पहली बात, पहला काम क्या करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। दूसरा काम क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तीसरी बात, कहावत है हिंदी में लकीर के फकीर, पहले उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं, उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप आईएएस मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और आज तो जो मेंस का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो तो एकदम पलट चुका है। अमेरिका का एक विद्वान था थॉमस जेफरसन, उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी, तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से। गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे, गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने, अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा। समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जो चेंज को नहीं समझेगा, सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं, सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने समय को नहीं, उस परिस्थिति को नहीं पहचानते, 70s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी, 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी, 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया में, कहीं एक जगह नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में। ये तीसरी चीज है, अपना समय, सिर्फ ये नहीं किताब ले लिया रटे जा रहा है, एलपीजी क्या है, कनेक्टिविटी, भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, आज से नहीं, प्राचीन काल से, और उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मुख्य वजह क्या है, भारत की ज्योग्राफी। कल्चर किस पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पे। कल्चर मतलब ड्रेस, कल्चर मतलब खाना, कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु का हिंदू दोनों के ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। गुजरात का मुसलमान और नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे, और खाना भी अलग अलग होगा। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा, और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी, तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सारवृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए, और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत
किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी में तो दारा शिकोह ने किताब लिखी थी मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें यह कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ये तीन काम कर लो आप। और अगर ये तीन काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो घर जाकर। नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है भी क्या, क्या क्या है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रिलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार, अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रिलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे चार क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो अपना, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ, ये तीन बातें क्लियर हुई ना, इन सबके साथ जो चौथी बात, जो मतलब मुझे बोलना ही होता, जीवन मतलब युद्ध, ये लास्ट बात। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है, एक चपरासी के जीवन में। चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत अच्छा चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है, साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, ज्यूडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहां जाते हैं, गोल्फ खेलने कहां जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है, और करना क्या है। तो जब लड़ना है, जब यह पता है कि लड़ना है, युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास, जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो, अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी, बोले आईएएस, फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई।
आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी, अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहा हूं फालतू में। भगवान के आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूं तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो, अरे कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, हमेशा हर चीज में अरे तुमसे क्यों नहीं होगा तुम ही करो। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़े। ध्यान किसी किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है, अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो बाहर खड़े हो गए, और चाय पी रहे हो तो बुरा नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा जो डिस्कशन है, तुम जब भी लोगों से बात करो तुम ये गौर करो कि किस मुद्दे पे कर रहे हो। सुष्मिता सेन शादी कर रही है, तुम्हारा चाय पीना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा डिस्कशन करना भी बुरा नहीं है, बुरा है तुम्हारा मुद्दा। चलो बाहर निकल ही आए, बात कर रहे हो कोई बात नहीं, तो किसी ऐसे मुद्दे को उठाओ जिससे, और डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं, डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी जिंदगी तुम यह कभी नहीं कह पाओगे कि अब मुझे सब कुछ आता है, और जिस दिन तुमने यह कह दिया किसी मेंटल हॉस्पिटल जरूर चले जाना। अपने आप को ताकतवर बनाओ फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है, शक्ति से। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनैलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका। 4 बातें आज के इस सेमिनार में मैंने 4 बातें बताई। पहला पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तीसरा सिचुएशन, और चौथा पर्सनैलिटी। ये 4 बातें आप हमारी तरफ से आज ले जाओ, बाकी तो एग्जामिनेशन पैटर्न पर रामेश्वर अच्छा बोलेंगे, आप इनसे ज्यादा सवाल करिएगा।